इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और एक वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध हैं। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। गुरु जी नमस्ते। मेरा प्रश्न है, वैराग्य योग में वैराग्य का क्या महत्व है? योग में वैराग्य का बहुत बड़ा महत्व है। सारा कुछ वैराग्य का ही महत्व है। अगर किसी साधक के अंदर वैराग्य नहीं है तो उसे आगे की सफलता कैसे मिलेगी? वैराग्य का मतलब है इन सांसारिक वस्तुएं, जो ये सांसारिक पदार्थ हैं उनके द्वारा बनी हुई वस्तुएं, जो अज्ञानता के कारण, तृष्णा के कारण अपना समझ रहा है, उनमें लिप्त होना अवैराग्य है। जब साधक अध्यात्म की ओर मुड़ता है तो उसे निश्चय ही ये धीरे 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 आंतरिक रूप से ये पदार्थ छोड़ने ही होंगे। अगर नहीं छोड़ेगा तो उसकी आंतरिक विकास नहीं होगा। मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो ये स्थूल जगत है या स्थूल शरीर है, जब अंतर्मुखी होंगे तो हमें इससे यानी इसकी सारी क्रियाएं अंतर्मुखी करनी पड़ेंगी, बंद करनी पड़ेंगी। धीरे धीरे जब आंतरिक विकास होता है तो स्पष्ट है कि हमारा आंतरिक विकास तभी होगा जब हम स्थूल पदार्थों से किसी न किसी प्रकार से, जो उनमें लगाव है तृष्णा, अज्ञानता के कारण तृष्णा है, तो वो छोड़ना ही होता है। जिस साधक के अंदर वैराग्य नहीं होता है, सांसारिक पदार्थों को छोड़ने की इच्छा नहीं करता है, उसमें किसी प्रकार का यानी आगे आध्यात्मिक विकास होना संभव नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संसार में तो रहो भाई, कोई भी व्यक्ति है संसार में रहेगा, खाना खाएगा, कपड़े पहनेगा, घर में रहेगा, गृहस्थ में रहेगा, लेकिन आसक्त ना हो, कर्तव्य करो। आसक्त का मतलब ये नहीं कोई कह दे कि हमारे पिताजी बुजुर्ग हो गए, लो मैं छोड़ दिया, मैं पत्नी वाला हूँ, बच्चों वाला हूँ, क्या करूँ, यानी मैंने मेरा ही नाम ले ले कि मैंने बता दिया कि भैया आसक्त ना हो। वो अपने बच्चे से कहेगा नहीं, योगी जी ने कह दिया कि आसक्त ना हो, जाओ आसक्त नहीं। कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य ना भूलो। अगर कर्तव्य भूल गए साधक नहीं बन पाओगे। कर्तव्य करना जरूरी है, लेकिन मन से अर्थात कर्तव्य करते रहना है, आसक्ति नष्ट करनी। और जब आसक्ति जिसे कहते हैं नष्ट करना है, उसे ही वैराग्य कहते हैं। यानी रहना वही है, यानी घर में ही रहना है या कहीं भी रहना है, सिर्फ आंतरिक रूप से हमें उसमें लिप्त नहीं होना है। और ये जो वैराग्य जो शब्द का इसी को दूसरे शब्दों में वैराग्य कहते हैं कि सांसारिक पदार्थों को मन से त्याग कर देने को वैराग्य कहते हैं। और आगे की सफलता के लिए ये गुण आना आवश्यक है, नहीं तो उन्नति नहीं होगी।
साधक क्या अपने अंदर वैराग्य का स्वयं विकास कर सकता है, मतलब स्वयं अपने अंदर वैराग्य को उत्पन्न कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार? देखो, जब साधक धीरे धीरे अभ्यास करता है, उसका गुरु मार्गदर्शन करता है और बताता है कि इस प्रकार से संयमों का पालन करो। जब वो धीरे धीरे ध्यान बैठता है, अन्य विशेष प्रकार के नियमों का पालन करते हुए उसका जब आंतरिक विकास होने लगता है, जब विकास होने लगता है तो धीरे धीरे उसकी आसक्ति भी कम होने लगती है। एक प्रैक्टिकल के द्वारा आसक्ति कम करता है, दूसरे उसका मार्गदर्शक समझाता है कि इस पर आसक्त ना हो, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ चलते हैं। तो जब धीरे धीरे साथ करेंगे, इसी का नाम अभ्यास है। कुछ अभ्यासी क्यों जल्दी सफल हो जाते हैं, उनके अंदर जल्दी वैराग्य आने लगता है, यानी उन आंतरिक विकास होने लगता है। कुछ मार्गदर्शक ने तो प्रयास किया और उससे नहीं हो रहा। पूर्व काल में बहुत पुरुष वो आसक्त रहा कर्मों के कारण, अर्थात अगर चित्त के अंदर अत्यधिक तमोगुण से बने हुए संस्कार होंगे, मलिनता होगी, तो वैराग्य देर में आएगा। वैराग्य कब आता है? चित्त में जब ये मलिनता धीरे धीरे कम होती है, सत्गुण बढ़ता है, प्रकाश बढ़ता है, तो वैराग्य आने लगता है। बिल्कुल साधक के ऊपर है कि कठोरता के साथ अभ्यास करे, जो उसके मार्गदर्शक के द्वारा बताया गया है उन्हीं के अनुसार चले, तो वो स्वयं उसके अंदर वैराग्य प्रकट होने लगेगा। फिर भी वो थोड़ा अपना ज्ञान का या मस्तिष्क का प्रयोग करे, वैराग्य को थोड़ा विकास करने को, यानी उसको उस पर चलने का प्रयास करे। एक और शंका थी जी, क्या स्त्रियां अपने मासिक धर्म के समय क्या कोई ध्यान की साधना या मंत्र जाप वगैरह कर सकती हैं क्या? इससे कोई हानि तो नहीं होगी? तुमने एक अच्छा प्रश्न पूछा। अच्छा कि ये मतलब मुझे एक घटना याद आ गई। घटना शायद 95 की है। हमारी ही एक गुरु बहन महाराष्ट्र में, उसने भी ऐसे प्रश्न किया था, इसलिए मैंने कहा। ये एक प्राकृतिक क्रिया है, प्रक्रिया है, ये जो हो रहा है प्रकृति का नियम है। मालूम नहीं विज्ञान इसमें कितना शोध किया है, क्योंकि मैं बहुत समय से मैं अध्यात्म मार्ग में रहा हूँ, पहले भी विज्ञान का छात्र भी रहा हूँ, उस समय ऐसा कुछ मैं नहीं जानता था। लेकिन मैं ये बता दूँ, अध्यात्म की दृष्टि से जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो उस के शरीर से, स्त्री के शरीर से एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो अध्यात्म के लिए थोड़ा अवरोधक ही मानी जाती हैं, खास तौर से कर्मकांड में। कर्मकांड में थोड़ा ऐसा कुछ ज़्यादा मानते हैं कि जैसे कुछ यज्ञ वगैरह हो रहा है या पवित्र काम हो रहे हैं तो ऐसी स्त्रियों को दूर कर दिया जाता है, या स्वयं स्त्रियाँ जो ज्ञानवान होती हैं दूर हो जाती हैं। पवित्र काम में ऐसी नहीं जाती हैं, क्योंकि एक अपवित्रता जैसी बात कही गई। लेकिन मैं भी मार्गदर्शन कर रहा हूँ और उस दृष्टि से मैं ये कहूँगा, ये तो एक प्राकृतिक क्रिया है, इसे मिटाया नहीं जा सकता, बंद नहीं किया जा सकता। ईश्वर हमारा लक्ष्य होता है तो हमें इससे ऊपर उठना है, ये एक भौतिक कार्य है। तो हम जब इससे ऊपर उठना चाहेंगे तो ऐसी अवस्थाओं में वो ध्यान को ना रोके, ध्यान को करता रहे, ऐसे मतलब क्षमा कीजिए, ध्यान को करती रहे ऐसी साधिका, और अपने मंत्रों का जाप करती रहे। हाँ, भौतिक रूप से थोड़ा परहेज कर ले। अगर वो खाना बना रही है, रसोईये का काम, रसोई मतलब वो कार देखती है, तो उस समय थोड़े समय के लिए जो भी उसका समय होता है तो खाना बनाने का कार्य ना करें, मैं यही राय दूंगा। अगर मजबूरी है तो फिर तो कहा नहीं जा सकता, या तो पुरुष खाना बनाए, और ऐसा होता नहीं है, तो ऐसी स्त्री या महिला को उस समय के लिए खाना ना बनाए, क्योंकि उसकी अशुद्धता खाना में भी जाएगी, जो भी भोजन बनाएगा, जो खाएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो तुम्हारा प्रश्न एक अच्छा था, मैं यही कहूँगा, योग के जो योग का अनुसरण करती हैं बराबर योग का अनुसरण करें। हाँ, खाना बनाने के लिए थोड़ा दूर रहें तो अच्छा है, फिर भी ईश्वर का नाम लेते रहें, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है, यानी प्रक्रिया है, इसे बंद नहीं किया जा सकता, समय को बर्बाद न करें और योग को बराबर करती रहें। गुरु जी, आपने हम सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया, इसलिए हम लोगों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.